नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। MCC समझौता संबंधी प्रस्ताव संसद में पेश, पारित कर सरकार द्वारा आग्रह। MCC सदन में पेश कल गल कहित सत्ता आ विपक्षी सांसद सबक विरोध, स्वाधीनता पर वज्रपात भेल कथन। MCC के विरोध में काठमांडू में प्रदर्शन, नया बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त। निर्वाचन आयोग से चुनावक तैयारी तीव्र, मतदाता क्यों नहीं छूटे अ पर सचेत रहल कथन। आ पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 4 गोटे के मृत्यु, 262 गोटे में संक्रमण पुष्टि। अब समाचार विस्तार में। नेपाल सरकार मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन MCC समझौता संबंधित प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में पेश कैलक। रवि दिन बैसल बैठक में नेकपा MLA के विरोध के बीच नेपाल सरकार के दिशा सूचना तथा संचार मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की MCC प्रस्ताव पेश कैलन। नाराबाजी बीच समझौता पेश करते मंत्री कार्की MCC पारित कर आग्रह कलन। नेपाल सरकार मंत्री परिषद ने मिति 2075-10-25 में नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन MCC बीच भएको अनुदान समझौता मिलेनियम चैलेंज कम्प्याक्ट लाई अनुमोदन गर्नका लागि संघीय संसद में पेश गर्न अर्थ मंत्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरे अनुरूप नेपाल को संविधान को धारा 279 बमोजिम प्रतिनिधि सभा को साधारण बहुमतबाट समझौता अनुमोदन गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले सम्मानित सदन समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुभएको माननीय सदस्यहरूलाई विदितै हुनुपर्दछ। MCC पेश करैत मंत्री कार्की अय अनुदान से नेपाल में 50 लाख घरधुरी लाभान्वित हेबाक बतौलन। तहिना MCC से करीब 60 अरब रुपया अनुदान पैबाक सेहो ओ बतौलन। ई अनुदान देशक आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में सहयोग पहुँचबाक हुनक कथन अछि। नेकपा MLA अपना 14 सांसद के कार्रवाई के सिफारिश सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा कार्यान्वयन नहीं कने कहते निरंतर संसद बैठक अवरोध करते आयल अछि। रवि दिन सेहो MLA अवरोध जारी रखने छल, मुदा सभामुख सापकोटा देश के लिए आवश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय के रोकल नहीं जा सकबा कहत विरोध के बीच सरकार के MCC पेश कर अनुमति देने छलथि। जगत बुद्धिजीवी एवं लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति व्यक्तित्वहरूको सार्वभौम संसदमा छलफल होस् भन्ने भावनाको समेत सम्मान गर्दै नेपाली समाजलाई थप ध्रुवीकरण हुनबाट रोक्न पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयवस्तुहरूलाई कार्यसूचीमा समावेश गरी छलफल गरिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेको हुँदा अहम महत्त्वका विषयहरूलाई आजको कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ। सोही मान्यतालाई आत्मसात गर्दै छलफलको वातावरण बनाउन सम्बद्ध सबैलाई सहयोगको लागि अपिल गर्दछु। साथै कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउन यहाँहरूबाट सहयोग हुने आशा एवं विश्वास राख्दछु। संसद बैठक के शुरू में धारणा राखत नेकपा माओवादी केन्द्र के प्रमुख सचेतक देव गुरु, नेकपा MLA के नेता भीम रावल, नेपाल मजदूर किसान पार्टी के प्रेम सुवाल आ राष्ट्रीय जनमोर्चा के दुर्गा पौड़ेल दल सब के असहमति बीच MCC पेश करा लागल पर विरोध जनौने छलथि। वो सब समझौता संशोधन नहीं भक आगा बढ़ाओल नहीं जा सकबाक से अड़ान रखने छल। वो सब MCC अनुमोदन करबाक विषय संविधान आ संधि ऐन संग मेल नहीं खात कहत सदन में पेश कर आवश्यक नहीं रहल तर्क कने छल। कि MCC में गंभीर प्रकार का राष्ट्रीय हित प्रतिकूल का राष्ट्रीय स्वाधीनता प्रतिकूल पर्ने प्रकार का प्रावधान तेस कारण MCC समझौता इसलिए परिमार्जन कर संशोधन करूर्च अत्र प्रक्रिया अगड़ी बढ़ सकता हम दल ने भन्द आई विषय हो। तर इसमें ये गंभीर विषय जो विषय नेपालको स्वाधीनतासँग सम्बन्धित छ, नेपालको स्वाभिमानसँग सम्बन्धित छ, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारसँग सम्बन्धित छ, यति गम्भीर विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा MLA ले
विरोध गरिरहेको संसद अवरोध गरिरहेको प्रमुख राजनीतिक दलहरू सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति नभइरहेको अवस्थामा यसरी नेपाली जनताको भावना विपरीत नेपालको स्वाधीनता विपरीत नेपाली जनता सडकमा छन्। आज राष्ट्रिय स्वाधीनताको आवाज उठाइरहेका छन्। यसलाई यहाँ टेबल गरिने कुरा यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। एमसिसी सम्झौताको दफा 2.7 अमेरिकी कानुन र अमेरिकी नीतिलाई विरोध गर्न नपाउने भनेर किन सही भयो? दफा 4.2 एमसिसीका सहायक उपाध्यक्ष अपरेसन विभागका सहायक उपाध्यक्षलाई एसिया पेसिफिक ल्याटिन अमेरिका युरोपको अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ। दुई देशको सम्झौतामा युरोप ल्याटिन अमेरिका एसिया पेसिफिकको कुरा कहाँबाट आयो, किन आयो? यो अमेरिकी सैन्य मोर्चा हो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा, त्यस कारण यो गर्न पर्ने बाध्यता थिएन। त्यो आज किन सदनबाट पास गर्नुपर्ने बाध्यता भयो त सभामुख महोदय? यो अत्यन्त जटिल छ। स्वयं सम्झौता पत्रमै उल्लेखित छ, सम्बन्धित पक्ष र कुनै पनि देशको ऐनसम्म बाज्यो भनेदेखि त्यो एमसिसीको कानुन त्यो माथि हुनेछ भनेको, त्यसको कानुन लागू हुनेछ भनेर त्यो सम्झौतामै स्पष्ट लेखिएको छ। हाम्रो ऐनभन्दा हाम्रो कानुन हाम्रो संविधानभन्दा माथि एमसिसीको कानुन लागू हुनेछ। त्यसरी जाने कुरालाई सामान्य सहयोग, यो 55 अरबको कुरा ठुलो कुरा होइन। यस्ता थुप्रै अहिसँग पहिने एमसिसी सम्झौता संसदमै टेबल करबाक गठबन्धन दलबीच सहमति जुटल छल। प्रतिनिधि सभाके दोस्रो बैठक 12 गते 1 बजे बैसत। एमसिसी सम्बन्धी सम्झौता 2076 अखाढ 30 गतेमे एमाले नेतृत्वके सरकार संसद सचिवालयमे दर्ता करौने छल, मुदा दर्ता भेला लम्बा समय बाद संसदमे पेश भेल छै। संसद बैठकमे एमसिसी पेश भऽ रहल समय विभिन्न राजनीतिक दल आ समूहके समर्थक कार्यकर्ता सब संसद भवन बाहर एमसिसीके विपक्षमे प्रदर्शन कयने छल। विक्रम सम्मत 2074 नेपाली काँग्रेसके सरकार रहल समय वाशिंगटनमे दू देश बीच एमसिसीके सम्झौता भेल छल। एमसिसीसँ प्राप्त होवला करीब 60 अरब रुपैया, 305 किलोमीटर सड़कके स्तरोन्नति आ 312 किलोमीटर लम्बा 400 केवी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणमे खर्च करबाक लक्ष्य राखल गेल छै। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सांसद डॉक्टर भीम रावल सत्तारूढ़ दल सबके बीच में सहमति नहीं भक एमसीसी संसद में पेश कैनाय नेपालक स्वाधीनता ऊपर के वज्रपात भेल बतौलन। रवि दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक बाद संचारकर्मी सब संग बात करते सांसद रावल एना बतौलन, ओ प्रमुख प्रतिपक्षी दल के विरोध के बीच एमसीसी टेबल कैनाय नेपालक कानून संविधान नेपालक स्वतंत्र परराष्ट्र नीति आ नेपाली जनता के स्वाभिमान ऊपर के बड़का आघात भेल बतौलन। सांसद रावल सरकारक ई प्रयास अलोकतांत्रिक गैरकानूनी भेल कहैत सरकार नेपाली जनता के आवाज के मिटेबाक प्रयास कैने आरोप लगौलन। संसद अवरुद्ध भइरहेको स्थितिमा जसरी हल्लाको बीचमा यत्रो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित नेपाली जनताको स्वाभिमान दीर्घकालीन अस्तित्वसँग सम्बन्धित विषयलाई जबरजस्ती प्रस्तुत गरिएको छ, यो अलोकतान्त्रिक, यो गैरकानुनी र यो नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चिने दुष्प्रयास हो। यसको निन्दा गर्नुपर्छ, नेपाली जनताले यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ भनेर मैले संसदभित्र पनि कुरा राखेको छु। तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ नेपालको संविधानको धारा 279 यदि कुनै अरू देशसँगको सम्झौतालाई संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने। तहिना नेकपा एकीकृत समाजवादीके सांसद तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल संघीय ऐने नै बनाकऽ संविधानके व्यवस्था कऽ कऽ जबरदस्ती एमसी संसदमे टेबल केनाइ संविधान विरोधी भेल दावी कयलनि। ओ सरकारमे रहल दल सभके असहमतिमे संसदमे एमसीसी टेबल केनाइ संविधानके नै मानबाक काज भेल बतौलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी अवरोध कऽ रहल समय कार्यसूची समेत आन नै मिलत कहैत सांसद खनाल सरकार राष्ट्रीयता आ स्वाधीनता के दीर्घकालीन बात के संसद अवरोध के समय में पेश केनाय लज्जास्पद रहल बतौलन। बनाएको संविधान त्यो संविधानको धारा 279 ले संघीय ऐन बनाएर मात्रै यस्ता खालका सन्धि सम्झौताहरू अनुमोदन गराउ भन्छ। चारवटा कारणले मात्रै, चार प्रकारका सन्धि सम्झौताहरू मात्रै यो ठाउँमा अनुमोदनको लागि ल्याइने गरिन्छ, ल्याउनु पर्छ। तर अहिलेसम्म संघीय ऐन पनि बनाएको छैन, संघीय ऐन नै नबनाइकन
संविधानलाई मिचेर जबरजस्त आज जुन ढङ्गले चाहिँ यो टेबल गर्ने काम गरियो त्यो अर्को संविधान विरोधी काम भयो, संविधानलाई मिच्ने काम भयो यो। तेस्रो कुरा भनेको अहिले संसद चलिरहेको छैन, प्रमुख प्रतिपक्षले संसदलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ, संसदमा नारा लगाइरहेको छ, त्यस्तो बेलामा तैना नेपाली काङ्ग्रेसके सांसद गगन कुमार थापा, भीम रावल देव गुरुङ आ झलनाथ खनाल एमसीसी राष्ट्रघाती रहलकै कहबाक हैसियत राख नै मिलबाक टिप्पणी कयलनि। ओ एमसीसी राष्ट्रघाती रहल कहवला पार्टी के प्रमुख नेता सब केपी शर्मा ओली, पुष्पमल दाहाल प्रचण्ड आ माधव कुमार नेपाल के संसद में राष्ट्रघाती मुर्दाबाद कहबाक हैसियत राखल जेबाक बतौलनि। कम्युनिस्ट पार्टी को सरकार हुँदै गर्दा आफै सरकारमा बसेर तयार गरेको प्रस्ताव, आज शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत भइरहेको बेलामा सबै सांसदहरू यहाँभित्र उपस्थित भएर यसको पक्ष वा विपक्ष मतदान गर्दै गर्दा एउटा प्रश्न भने आउँछ, सरकारमा पनि बस्ने, सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने कुरा, यो राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न पनि होला, यो जवाबदेताको प्रश्न पनि होला, जनतालाई जवाब दिने कुरा पनि होला। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अब सबैले आफ्नो डबल स्ट्यान्डर्ड छाड्नु पर्छ, पक्षमा हो भने पक्षमा हो, विपक्षमा हो भने विपक्षमा हो, यसको विपक्षमा मतदान गर्ने हो भने विपक्षमा मतदान गर्ने, आधाले विपक्षमा मतदान गरे जस्तो गर्ने, विपक्षमा लागे जस्तो गर्ने, आधाले पक्षमा लागेको जस्तो गर्ने कुरालाई पनि बन्द गर्नुपर्छ। हामी त के आह्वान गर्छौँ, 12 गतेको छलफलमा सबैले भाग लियौँ, त्यसको संसदको प्रक्रिया अनुसार मतदानमा जाँदै गर्दा यसलाई हिजो प्रस्तुत गरेर नेकपा एमालेलाई पनि पक्षमा मतदान गर्न अनुरोध गर्छौँ, यसको अहिले सरकारमा भएको माओवादी समाजवादी सबैलाई गर्छौँ हो, सँगसँगै यसमा जुन परिमार्जनको कुरा छ, परिमार्जनको दुईवटा विकल्पहरू हामी छलफलमा ल्याइरहेका छौँ। एउटा सांसद थापा नेकपा माओवादी केन्द्र आ नेकपा एकीकृत समाजवादी आपसी हो दोहरा चरित्र देखाव नै मिलबाक बतौलनि। तहिना नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल एमसीसी पास करबाक बातमे अपन पार्टी के सहमति नै रहल बतौलनि। ओ सरकार आब किछु भी भ सकबाक स्पष्ट कयलनि। पास गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छ, सरकार जबरजस्ती अगाडि बढे के हुन्छ त अब के हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अवरोध आ सांसद सबके विरोध के बीच रवि दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की एमसीसी समझौता सभा में पेश कयने छलथि। शहरी विकास मंत्री राम कुमारी झाकड़ी पार्टी के सर्वसम्मत निर्णय से एमसीसी पेश होव देल गेल दावी कयलन अछि। ओ एमसीसी के विषय में संसद में विस्तृत परामर्श कक निष्कर्ष निकालबाक सेहो बतौलनि। गुन्जास भएन भने अर्को एउटा संशोधन गर्ने ठाउँ पार्लियामेन्ट पनि हो, त्यहाँ ओपन छलफल गरौँ, ती विषयहरूका बारेमा हामीलाई एउटा स्पष्ट हुने मौका, जनतालाई सही सूचना दिने मौका पनि हुन्छ र यसलाई टेबल गर्न दिउँ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको सर्वसम्मत निर्णय हो। सर्वसम्मत निर्णय भएकै कारणले चाहिँ यो कुरा बाहिर आएको हो र हामी यसको पक्षमा पनि उभिएका हौँ। अब रह्यो संशोधन हुन्छ कि हुँदैन, यत्तिकै एमसिसी पास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा हामीसँग अहिले अब टेबल भइसक्यो, हामीसँग केही समय छ, हामीसँग टाइम छ, त्यसकारण यो टाइमलाई हामीले प्रयोग गर्छौँ र केही उसको कुरा हुन्छ जस्तो केही सङ्कल्प प्रस्ताव, केही सन्धि सम्बन्धी केही प्रावधानहरू छन् हाम्रा। तहिना कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु सडकमे भ रहल प्रतिक्रिया सबके जवाफ देव एमसीसी सदनमे पेश केने बतौलनि। ओ आइसँ संसदमे एमसीसी पेश भेल आ आइसँ परामर्श शुरू भेल सेहो बतौलनि। मन्त्री बडु संसदमे परामर्श भेला बाद एमसीसी के निष्कर्ष निकालबाक सेहो बतौलनि। प्रवेश भएको छ र छलफल सुरु पनि भयो आज नै तपाईँहरूले देख्नु, त्यस कारणले यो एक सकारात्मक रूपमा यसलाई लिनुपर्छ, किनभने प्रतिक्रिया र विरोध र पक्ष र विपक्षमा सडकमा भइरहँदा मुलुकले जवाब दिन सक्दैन थियो। मुलुकले जवाब दिनका निमित्त यो विषयलाई संसदमा पुर्याउनु पर्दथ्यो र त्यो आज संसदमा पुगेको छ। सडकमा भइरहेको चर्चा र परिचर्चा सडकमा पुगेको छ र सडकमा भ सुरु भएको छ र अब यसलाई छलफलबाट
कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री महेंद्र राय यादव एमसीसी पास हेबाक दावी कलन। जनता समाजवादी पार्टी के नेता समेत रहल ओ पार्टी में एमसीसी के विषय में परामर्श नहीं भेल पर एमसीसी पास कैल जेबाक पक्ष में अपना रहल बतौलन। सफल होना बाकी तर अब सरकार में भाई नाता प्रस्ताव जो आगे एमसीसी को मैं हम पार्टी को पक्ष में निर्णय कसरी पास होला यो पास हुन्छ पास हुन्छ। रवि दिन नेकपा एमाले के सांसद सबके अवरोध के बीच प्रतिनिधि सभा में एमसीसी संबंधी प्रस्ताव पेश कैल गेल छल। सत्तारूढ़ गठबंधन के बैठक ऐसे पहले एमसीसी समझौता संसद में टेबल करवाक निर्णय कने छल। रवि दिन प्रधानमंत्री निवास बालुआटाड़ में बैसल सत्तारूढ़ गठबंधन के शीर्ष नेता सबके बैठक रवि दिन बैसे वाला प्रतिनिधि सभा बैठक में एमसीसी समझौता टेबल करवाक निर्णय कने छल। गठबंधन के बैठक बाद संचारकर्मी संग बात करत संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री तथा सरकार के प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की आय बैसे वाला प्रतिनिधि सभा के बैठक एमसीसी समझौता टेबल करवाक बतौने ओ टेबल भ चुकला बाद सभा में गहन रूप में परामर्श हेबाक आ निष्कर्ष में पहुँचवाक से बतौने टेबल हो रि सड़क में होना संसद में गहन रूप में छलफल भर एटा निष्कर्ष में पुग्ने कुरा यहाँ मवगत कराने चाहिए धन्यवाद। आज टेबल हो एमसीसी परियोजना प्रवक्ता कार्की एमाले नेतृत्व के पूर्ववर्ती सरकार एमसीसी समझौता के प्रतिनिधि सभा में दर्ता करौने आ इहे दर्ता के टेबल कर लागल कहत आई संबंध में एमाले से जवाब देल जेबाक बतौने छलथि। एमसीसी समझौता संबंधी प्रस्ताव संसद में पेश भेला बाद शुरू भेल विरोध प्रदर्शन के कारण काठमांडू के नया बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त बनल छे। प्रहरी आंदोलनकारी बीच झड़प भेला से कतेको प्रदर्शनकारी घायल भेल छे। तहिना करीब 50 गोटे के प्रहरी पकड़ने छे। घायल हुआ वाला में किछ प्रहरी सेहो रहल छे। सशस्त्र प्रहरी के घायल 3 गोटे के बलम्बू स्थित एपीएफ अस्पताल में इलाज भ रहल छे। तहिना 4 गोटे के संसद भवन भीतर रहल आपातकालीन उपचार कक्ष में इलाज भ रहल छे। तेना नेपाल प्रहरी देश घायल भेल सबके सेहो विभिन्न अस्पताल में इलाज भ रहल छे। प्रहरी झड़प के क्रम में 50 गोटे आंदोलनकारी के नियंत्रण में लेने जनौलक अछि। तहिना भीड़ के नियंत्रण में लेबाक क्रम में कतेको राउंड अश्रु गैस समेत प्रहार कयल गेल छल। तहिना 30 राउंड रबड़ के गोली सेहो प्रहार कयल गेल छल। निर्वाचन आयोग अगला बैसाख 30 गति हो वाला स्थानीय तह के निर्वाचन में मतदान कर क्यों नागरिक नहीं छूटे अ पर सचेत रहल बतौलक। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया निर्वाचन आयोग कोनो मतदाता निर्वाचन में मतदान कर से नहीं छूटे अ पर सचेत रहल बतौलन। ओ सब मतदान स्थल सब अपांग मैत्री रहबाक आ एक लेल आवश्यक नीतिगत व्यवस्था कयल गेल सेहो ओ बतौलन। नेपाल अपांग महिला संघ के पदाधिकारी सबके रवि दिन अपने कार्यकाल में भेंट में प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया अगला स्थानीय तह के निर्वाचन के मतदान केंद्र में ज्येष्ठ नागरिक सबके सहज हेबाक व्यवस्था करवाक गर्भवती महिला सबके लेल सेहो विशेष व्यवस्था करवाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। हमी चाहन्छौँ मतदानमा नामावलीमा पनि कोही छुट्न हुँदैन र मतदानमा पनि कोही छुट्न हुँदैन मतदानको दिन पनि कोही छुट्न हुँदैन त्यो नछुट्नको निम्ति हामीले कसरी हाम्रा क्रियाकलापहरूलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ हाम्रा सबै सरकारवाला संस्थाहरूसँगै साझेदारी सहयोगमा निर्वाचन आयोगले त्यसलाई अगाडि बढाउने हो त्यो सिलसिलामा अहिले हामीले मतदान स्थलहरू झन्नै झन्नै 11,000 मतदान स्थलहरू छन् आयोगका र ती सबै मतदान स्थलहरू अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्दछ महिला मैत्री हुनुपर्छ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ अलिकति सहज हुने हुनुपर्दछ अनि सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरूलाई पनि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्दछ त्यो ठाउँमा केही ठाउँ हुनुपर्दछ भनेर रिलोकेट गरिएको छ। तपाईँले के म अब 100% नै अपाङ्गता मैत्री छन् यो दावी गर्दिनँ मैले ओहि अवसरमै नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घके पदाधिकारी सब मतदान केन्द्र अपाङ्ग मैत्री बनाउने आवश्यक रहल सेहो बतौने छल। निर्वाचन आयोग सङ्घ अपाङ्ग मैत्री मतदान केन्द्र आ ओकर सभक प्रतिनिधित्व सब स्थानीयतामे सुनिश्चित
हेबाक उद्देश्य ल अगला निर्वाचन में आवश्यक व्यवस्था मिलाब मांग कल गए। संघ के अध्यक्ष टीका दहाल बतौलन दलित महिला को प्रतिनिधित्व होने ठाव में अपांगता भैया महिला को अनिवार्य प्रतिनिधित्व होस् भाई मुद्दा रहे। अर्क मतदान प्रक्रिया में मतदान करने दिन अपांगता भैया जो अति अशक्त पूर्ण अशक्त आफैले मतदान गर्न नसक्ने अवस्था का व्यक्ति को इच्छाइएको व्यक्ति वा एकाघर को परिवार भन्ने शब्दलाई त्यसरी लेखिनु पर्छ। संघ अपांगता भेल व्यक्ति सबके लिए सहज हो वाला किसिम के निर्वाचन संबंधी सामग्री सब बनावस्यो आयोग के ध्यानाकर्षण करो लगे। सरकार वादी दलित आ पिछड़ा वर्ग के अलगे अलग उत्थान विकास समिति बनेबाक तैयारी कलक। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री राजेंद्र प्रसाद श्रेष्ठ पाछा पड़ल इस समुदाय सबके हक हित अधिकार सहित के समग्र उत्थान के लिए वादी उत्थान विकास समिति दलित उत्थान विकास समिति आ पिछड़ा वर्ग उत्थान विकास समिति स्थापना के लिए मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव पेश कल गए जानकारी दिलन। राष्ट्रीय समावेशी आयोग दिवस के अवसर पर रवि दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ दलित आयोग भेलो पर ओ सबके समग्र उत्थान के लिए विकास समिति उपयुक्त हेला से अपना दलित सबके लिए उत्थान विकास समिति बनेबाक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लग गए बतौलन। मंत्री श्रेष्ठ इ प्रस्ताव सब मंत्रिपरिषद के प्रशासन समिति में परामर्श भ रहा आ जल्दिए मंत्रिपरिषद बैठक से पारित होबाक विश्वास समेत व्यक्त कलन। खास करी विकास को काम को ती समिति अगड़ी बढ़ा रामने मैं इस अगड़ी बढ़ाई तर मंत्रिमंडल में अच्छे एउटा अध्ययन गर्ने भनेर एउटा प्रशासन समितिमा त्यसबारे चाहिँ छलफल चलिरहेको अवस्था छ। मंत्री श्रेष्ठ खास आर्य समुदाय सो अलगे आयोग बनेबाक लेल अपना समक्ष प्रस्ताव केने आ एहि विषयमे सो परामर्श भ रहल बतौलन। पछिला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 4 गोटे के मृत्यु भेल छै। नेपाल में अखन धरि मृतक के संख्या 11,917 पहुँचल छै। नेपाल में पछिला 24 घंटा में 262 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 6,572 पीसीआर परीक्षण कला पर 229 गोटे आ 3,243 गोटे के एंटीजन परीक्षण कला पर 33 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। तहिना का पछिला 24 घंटा में नेपाल में 1,338 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छै। नेपाल में अखन 12,244 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। अखन धरि 9,51,394 गोटे ठीक भ चुकल छै। नेपाल धितोपत्र बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश हमाल पदभार ग्रहण कलन। रवि दिन हमाल पूंजी बाजार के नियमकारी निकाय धितोपत्र बोर्ड के कार्यालय खुमलटाड़ में पहुँच कर पदभार ग्रहण कलन। पदभार ग्रहण करते अध्यक्ष हमाल छोट लगानीकर्ता के बचेबाक उद्देश्य लकर बोर्ड में आयल बतौलन। ओ छोट लगानीकर्ता के हित में काज करबाक प्रतिबद्धता से जनौलन। अध्यक्ष हमाल शेयर बाजार के स्वच्छ आ पारदर्शी रूप में विकास कराव आ सबके एके प्रकार के नियमन करबाक नियमक निकाय में अपना भूमिका निर्वाह करबाक बतौलन। बजार स्वस्थ होस् बढ़ोस् हेल्दी होस् भन्ने त त्यही नै खोज सोचे होइन। त्यस्तै सरकारको पनि त्यही नै हुन्छ, तपाईँहरूको पनि त्यही नै हुन्छ। तपाईँहरू यति इच्छुक किन हुन्छ यहाँ आउनु भएको छ? किनभने तपाईँहरूलाई यसको चिन्ता छ, यो बजारप्रति तपाईँहरू चिन्ता छ र म पनि त्यही चिन्तित भएर नै यो ठाउँमा आइरहेको छु। र यो बजारलाई कसरी हामीले चाहिँ एकदम हेल्दी रूपमा ग्रो गर्ने, यसमा फेयरनेस होस्, यसमा ट्रान्सपेरेन्सी होस्, यसमा सबैलाई एउटै किसिमको यार्डस्टिकले हेरियोस्। हमाल के बीतल बृहस्पति दिन बैसल मंत्रिपरिषद बैठक बोर्ड अध्यक्ष में नियुक्त केने छल। नियुक्ति बाद हमाल शुक्र दिन अर्थ मंत्री जनार्दन शर्मा समक्ष पद तथा गोपनीयता के शपथ लेने छलै थे। आब खेल समाचार। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नंबर 19 बेगा अशीपुर स्थित 52 बीघा जनक दरबार में महावीर झंडा मेला में पहलवानी आकर्षक के केंद्र बनल छे। शनि दिन शुरू भेल पहलवानी में नेपालक चर्चित पहलवान देवा थापा के पहलवानी देख हजारों के भीड़ लागल छे।
रवि दिन समाजसेवी तथा नेकपा माले के नेता गंगाराम यादव पहलवानी के समुद्घाटन कने छलथि। भारत के समेत 101 पहलवान सब के सहभागिता रहल। पहलवानी में जनकपुर धाम के दर्शक सब नेपाल के चर्चित पहलवान देवा थापा के समर्थन में देखल गेल छै। झंडा मेला में झड़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम के समेत व्यवस्था कैल गेल। आयोजक जनौलक मेला में भव्य झंडा के स्थापना कैल गेल। कहते आयोजक फागुन 10 गते धरि होय वाला मेला में सहभागिता के लेल सेहो सब संग अनुरोध कैलक। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। MCC समझौता संबंधी प्रस्ताव संसद में पेश, पारित कर सरकार द्वारा आग्रह। MCC संसद में पेश कैल गेल कहत सत्ता आ विपक्षी सांसद सभा के विरोध, स्वाधीनता पर वज्रपात होल कथन। MCC के विरोध में काठमांडू में प्रदर्शन, नया वानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त। निर्वाचन आयोग से चुनावक तैयारी तीव्र, मतदाता क्यों नहीं छूटे अ पर सचेत रहल कथन। आ पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 4 गोटे की मृत्यु, 262 गोटे में संक्रमण पुष्टि। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।